तो इस टॉपिक में हम देख रहे हैं आईसिस के बारे में। पिछले लेक्चर में पिछले टाइम हमने देखा था कि नेटवर्क सेक्शन में कितनी आईसिस होती है, पावर सेक्शन में कितनी आईसिस होती है। जैसे मैंने बताया था कि जो हमने लास्ट टाइम जो आईसिस देखी थी वो डीसीटी 3 की आईसिस थी। आज हम देखेंगे कि आगे जैसे डीसीटी 4 में आईसिस कैसे चेंज हुई, BB5 में क्या हुआ और आईसिस के नाम क्या थे, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो हम देखते हैं पहले कि नेटवर्क सेक्शन में लास्ट टाइम हमने देखा था, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था नेटवर्क सेक्शन में एक PFO IC थी, दूसरी एंटीना स्विच था, तीसरा VCO था, चौथा हैगर आईसी था यानी RF IC, पांचवा क्रिस्टल। ये टोटल 5 आईसी नेटवर्क सेक्शन में लगी हुई थी। इसमें से पहला आईसी है PFO, दूसरा एंटीना स्विच, तीसरा VCO, चौथा हैगर आईसी और पांचवा क्रिस्टल। ये 5 आईसी नेटवर्क सेक्शन में लगी थी। ये जो था मॉडल, ये DCT3 का मॉडल, DCT3 का मॉडल में ये 5 आईसी लगी हुई। उसके बाद हम देखते हैं आगे के मॉडल में क्या हुआ। DCT4 में आप देखेंगे तो एंटीना स्विच और PFO दोनों एक ही आईसी हो गई, यानी PFO प्लस एंटीना स्विच को हम फीम आईसी बोलते हैं। ये दोनों एक ही आईसी हो गई, इसको फीम या हम PFO आईसी भी बोलते हैं। यानी एंटीना स्विच और PFO एक ही आईसी में आ गए। जैसे दो यहाँ पे दो आईसी लगी थी, एक PFO था, एक एंटीना स्विच था, एक एंटीना स्विच था, दूसरा PFO था, वो दोनों एक ही आईसी में दे दी गई, जिसे हम बोलते हैं फीम आईसी। इसके बाद ये दो आईसी मिलके एक आईसी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं VCO, VCO और हैगर आईसी मिलके दोनों एक ही आईसी हो गई, जिसे हम बोलते हैं RF आईसी। RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। दूसरी आईसी ये हो गई क्रिस्टल, एज इट इज वैसा का वैसा ही हो गई। अभी आप देख रहे हैं DCT3 में नेटवर्क सेक्शन में टोटल 5 आईसी लगी हुई थी। नेटवर्क सेक्शन के लिए टोटल 5 आईसी लगी हुई थी। DCT4 में क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ कि आईसी 3 ही दे दी गई है। अभी के जो एंड्रॉइड फोन आते हैं उसमें भी आप देखेंगे ज्यादा डेटेड नेटवर्क सेक्शन में सिर्फ 3 आईसी मिलती है, यानी PFO मिलता है, RF IC मिलती है और क्रिस्टल मिलता है। तो अभी के भी फोन में ये 3 आईसी ही यूज किया जा रहा है। आप कोई मोबाइल फोन में देखेंगे तो और कोई मोबाइल फोन में देखेंगे तो उसमें RF IC CPU के अंदर भी डाल दिया जाता है, RF IC CPU के अंदर भी होता है। कोई कोई मॉडल में RF IC CPU के अंदर ही दिया होता है, कोई मॉडल में ये बाहर दिया होता है। तो यहां पे हमने देखा DCT3 में टोटल नेटवर्क सेक्शन में 5 आईसी थी और इसके आगे के वाले DCT4 या BB5 में, BB5 में भी ऐसा ही था, ये टोटल 3 आईसी का ही यूज किया गया। तो हम देखते हैं, अभी हमने देखा जैसे अभी आप एंड्रॉइड फोन देखेंगे तो उसमें अगर आपको 5 आईसी नहीं मिली, यानी PFO, एंटीना स्विच, VCO, हैगर आईसी और क्रिस्टल ना मिले के जगह पे सिर्फ 3 आईसी मिले, तो उसमें PFO, एंटीना स्विच दोनों एक ही आईसी है, यानी फीम आईसी दोनों का काम कर रहा है, उसे हम PFO आईसी भी बोलते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पे VCO और हैगर आईसी दोनों एक ही आईसी एक दूसरे में जुड़ गई है, उसे हम बोलते हैं RF IC यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी, और क्रिस्टल एज इट इज वैसा का वैसा ही है। कोई बोर्ड में अगर आपको सिर्फ 2 आईसी मिले नेटवर्क सेक्शन में, यानी सिर्फ PFO मिले और क्रिस्टल मिले, उस कंडीशन में हमारा RF IC CPU के अंदर होता है। तो अभी हम आगे के लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि नेटवर्क सेक्शन के आईसी बोर्ड में कैसे पहचानना है, ये भी हम देखेंगे। तो
इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आगे के सेक्शन में कि कैसे कौन से बोर्ड में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 5 आईसीज लगी हुई थी, ये DCD-3 यानी बहुत पहले का मोबाइल है, अभी 5 आईसी की जगह पे 3 आईसी ही यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये VCO लगा है, ये PFO लगा है, एंटीना स्विच है, हैगर आईसी है और क्रिस्टल है, VCO, हैगर आईसी, क्रिस्टल, एंटीना स्विच और PFO। तो इस सेक्शन में जो 5 आईसी थी अभी के बोर्ड में सिर्फ 3 आईसी ही यूज किया जाता है, एंटीना स्विच PFO को एक में ही जोड़ दिया गया है, VCO और हैगर आईसी को एक ही में जोड़ दिया गया है, यानी RFIC दोनों का वर्क करती है और क्रिस्टल को एज इट इज वैसा का वैसा ही रखा गया है अलग। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पावर सेक्शन में कैसे चेंजेस किए गए। थैंक यू।